नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो किंग एच भारद्वाज फ्यूचर बेस पॉइंट संस्था से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज का मेरा विषय रहेगा बाधक ग्रह कौन कौन से होते हैं, उनका जीवन पर क्या और कितना प्रभाव होता है। मित्रों, मेष लगन की कुंडली में बाधक ग्रह लाभ भाव के स्वामी को बोलते हैं, या ये कहें चर लगन की कुंडली में लाभ भाव के स्वामी को बाधक ग्रह बोलते हैं, स्थिर लगन की कुंडली में भाग्य स्थान के स्वामी को बाधक ग्रह बोलते हैं, और द्वेष भाव लगन की कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी को बाधक ग्रह बोलते हैं। मित्रों, चर लगन कौन कौन सी होती हैं? चर लगन होती हैं मेष, कर्क, तुला और मकर। स्थिर लगन कौन कौन सी हैं? वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। द्वेष भाव लगन कौन सी होती हैं? मिथुन, कन्या, धनु और मीन। द्वेष भाव का मतलब होता है चर भी और स्थिर भी। पहले चर का स्वभाव दिखाती हैं, फिर स्थिर का। मित्रों, बाधक ग्रह हमेशा अपनी दशा अंतर दशा में प्रबल फल दिखाते हैं और प्रबल बाधक फल देते हैं, एवं अचानक बाधा उत्पन्न करके जीवन में परेशानी खड़ी कर देते हैं। जब भी बाधक ग्रह की दशांतर दशा आती है तो व्यक्ति को जीवन में अचानक कष्टों का सामना करना पड़ता है। कई बार व्यक्ति शनि राहु को ही दोषी समझ लेता है। जब भी परेशानी आती है कि शनि खराब है, राहु खराब है, तो मित्रों बाधक ग्रह का भी अध्ययन अवश्य करें। अगर बाधक ग्रह की दशा के साथ मारक ग्रह की भी दशा चल रही हो, मारक भाव होते हैं दूसरा और सातवां, इनके स्वामियों की दशा हो, साथ में बाधक ग्रह की दशा हो, तो व्यक्ति के जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट देखने को मिलते हैं। ऐसी स्थिति में बाधक ग्रह का उपचार करें। बाधक ग्रह का समाधान सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन चक्र का पाठ करना चाहिए। सुदर्शन चक्र बाधक ग्रह का एकमात्र उपाय है। सुदर्शन चक्र के स्तोत्र का पाठ करें। सुदर्शन चक्र अला बला भूत प्रेत जिंद भूतनी यक्षनी या इन तरह की ऊपरी बाधाओं और ऊपरी विपत्तियों में रक्षा करता है। मित्रों, सुदर्शन चक्र यह एक अद्वितीय तांत्रिक शक्ति से भी युक्त होता है। जिस भी जातक को बाधक ग्रह की दशांतर दशा चल रही हो, जीवन में अशांति खड़ी हो, तो जातक को सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन चक्र का पाठ कराना चाहिए। आज के लिए इतना ही। मित्रों, जिसने भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन ऑल करें। आपकी अति कृपा होगी।
धन्यवाद।